नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपणे भाग 5 जोवाना छे अने भाग 5 मां प्रकरण नंबर 15 धोरण 9 मां आपणे जल परिवहन मां ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली विषे आपणे अभ्यास करीशुं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में आवेला मानसरोवरनी पूर्वमांथी तथा सिंधु अने सतलुजना मूळनी नजीकनी निकळे छे, तेथी ते वधु प्रवाह लंबाई भारतनी बहार छे। आ नदी हिमालयनी श्रेणीने समांतर पूर्व में वहे छे। नामचार बवा माटेथी अंग्रेजी यू आकारे वळांक लई भारतना अरुणाचल प्रदेश में ए प्रवेशे छे। अहीं ते देहांगना नामे ओळखाय छे। देहांग, लोहित अने केनोला जेवी शाखा नदीओ मळीने असम में ब्रह्मपुत्र तरीके ओळखाय छे। आटलुं जाणवुं गमशे, ब्रह्मपुत्र नदी एकवार पुरुषवाचक सर्वनाम धरावती नदी छे। जेनी लंबाई लगभग 2900 किमी है। ब्रह्मपुत्र नदी ने तिब्बत में सियोंगपो अने बांग्लादेश में जमुना नामे ओळखाय छे। ब्रह्मपुत्र समग्र प्रवाह दरमियान मांजुली नामनो एक नदीय टापू जे विश्वनो सौथी मोटो है। तिब्बत में आ नदी में कापनु प्रमाण ए बहु ओछू है। भारत में नदी वधारे वरसादवाळा क्षेत्रमांथी ए शुं थाय छे पसार थती आपणने जोवा मळे छे। तथी अहींथी जल जत्थानी अने कापनी मात्रा में वधारो थाय छे। असम में अनेक शाखा नदीओ तेने मळे छे। आम ब्रह्मपुत्र नदी गुंफित स्वरूप में वहे छे। गुंफित एटले एकबीजा साथे गुंफाथी आपणने जोवा मळे छे। दर वर्षे वर्षा ऋतु आ नदी में जल जत्थानो मोटा प्रमाण में ए वधारो थाय छे। परिणामे असम अने बांग्लादेश में वारंवार आवता पूरनी भारे ए विनाश थाय छे के ए वरसादना कारणे आ नदीओनो प्रवाह बहु भारे થઈ જાય છે અને એના કારણે અસમ અને બાંગ્લાદેશમાં એ પૂરની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય છે। ઉત્તર ભારતની બીજી નદીઓ કરતાં આ નદીઓ વિરોધાભાસ છે અને અસમમાં ચોમાસા દરમિયાન પડતા વરસાદના કારણે અહીં વધારે માત્રામાં નિક્ષેપણ થાય છે। આ નદીમાં રેતીના પ્રમાણમાં વધારો થતાં તેની સપાટી ઊંચે આવતી જાય છે, તેથી આ નદી પ્રવાહમાં વારંવાર માર્ગ પરિવહન જોવા મળે છે। તો બાકીનો આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં જોઈશું।